चौधरी आगे क्या बना रहे हैं? जो कुछ साढ़े जहन नशीन गल्ला होनी बंदा गल्ला तू ऐसे भाई करना मैं जो कुछ याद होनी कोशिश करसा मैं फिर सुनने ना ही होनी ते जे अस अपना कुछ रौला पाइया तुस अपना बस तुफ नहीं आने लगा इस वास्ते ये दरखास्त है कि खामोशी मेरा इख्तियार दसो Oh,
मुदत बाद अज बदन विच दोस्तां दी सुखन गोई दा वक्त जनाब आया जो सिंध मखमूर बिन पीते आई आज सरूर मिसले बाद नाम आया भाई आज बगैर पीते में बड़ा सरूर आया बगैर शराब तो क्यों समहीन नी खमोशी तक की तरह गाने वाले वास्ते बहुत बड़ा इनाम होना केड़ा कि सुनियर अदरात खमोशी ना सुनन ते इस तो वक्त वक्त कोई इनाम नहीं होना गाने वाले वास्ते अख्तर साहब ने शेर है सरकार फरमाने ताने तिशन की शेरां विच बयान करना यो
अपने गमां शेरा दलिए ऐसी कोल जेड़ी साइन सौदा संभाल के ले आया भाई बगैर दर्द ने लफ्जों में इजहार नहीं हो सकता बहुत अगर इंसान के अंदर कोई दर्द रहे तो ताई कोई गल हो सकती वरना बहुत मुश्किल है। जिस तरह राज साहब ने क्या फरमाया दर पाक महबूब का वे खुला दर्द लफ्जों में ढाल के ले आया लफ्ज जेड़े सारे दर्दा नाल भरे हुए अगर इन्हें की गौर नाल सुनिया जाए तो जे वैसे नारे मरने जाओ तो फिर उसका कोई मकसद नहीं। सही है कादर साहब ने एक शेर है सरकार फरमाने का है सजना मेरे कलम से मेरे ख्याल मिलके मेरे कलम से मेरे ख्याल मिलके आंधे तारे और मोती भाई सुखन सोचते सुखन सोच दार आवाज Oh,
भाई तड़पे दिल संग दिल दा दिल ऐसा सुन के खूबियां मेरे जानान दिया आवे हर फरात में हर कुत्ती ते हावर सौखा जा शेर नहीं बनाने बड़ा औखा जा बनना ये बड़ी मेहनत चाहिए इसकी बोलने वास्ते भी जिस तरह उन्हें दर्द ना लिखने इस तरह दर्द ना लिए आग बढ़ना पेश कर रहे आख्या कलम कलम कमली मैनू याद زبان مطابق بیان نہیں بدلے آپ رات عشق خوب دولی شیر بن کے ہویا نخل تمنا جوان نہیں وہ کھانا جگر دا دا خوب وہ فن لے हर बंदे ने वसने रोग नहीं है और फिर खड़ी जी कौन सी के मरमर हिक बनावन शीशा मार बट्टा हिक पन दे थोड़े बहुते दुनिया उत्ते कदर शनास सुखन दे
बोलना कोई एडी औखी गल नहीं। दो चार शेर याद किए घड़े सतारा की बोलने पे आसान काम आ, लेकिन लिखने वाले जड़े थोड़ी मेहनत करी लिखने क्योंकि नहीं पता होना जड़े पिछले फतवे तजीर आए मगरी मगर होने। जो असं बोलने कोई गलत बोली जुड़िया तो असं असं शहर ही सद लिखा ना, साड़ा क्या इतराज आ भाई। फतवा लाने तजीर लाने शहर बुलाओ, बार काफ कोशिश करनी चाहिए है भाई। अगले नहीं मेहनत पर कोशिश करो, जिस तरह उस मेहनत की सर तुम्हें मेहनत नाल पेश करो। बड़े पुराने शहर जिधरे बूटा साहब उन्होंने शेर है सरकार फरमाने ताने सजना लिख दे काजिया ऐ निलमू, समझ निकल और फर्श पे बात लिख दे काजिया ऐ निलमू नुक्ता गत ना गैंडवे बना दसे शायर इल्तजा कर रखा है मेरी मौला, तू बड़ा ही गफूर रहीम है, जो चाहे कर सकना तेरी जात में किसी की जरूरत नहीं, तू दम मारे है मेरी अल्लाह मेरी इल्तजाई, मैं चीज तेरी तू तलब कर रहा वो केड़ी या रख तो ईद ते कैम मैन हर दम हक होए दी गालोए फरेब दी बदम आखे तू नहीं
मैं मेरे मौला इस दुनिया विच मैं ईमान लेके जाना। बंदा इस दुनिया से आया ते हाथ खाली जाना, लेकिन क्या उसी उस नामाल नामा अपने नाल उसी जो किसी दुनिया से खटसी और नाल लेके जासी। बंदा जो कुछ बीजना वो ही कटना। ये गल है मकरो फरेब दी बदम विचू ते वक्त ए नज़ामा ए बताव खाए ये अंगर पैचा या थर दिन बोर दूर ये कर्दा हमाला दिन नंदो सना लिख दे काजिया ऐन इल्मू नुकता गत न गैन बना दसें असा बुटिया तर्क तमाम इल्मू इको अलफ अगे लड़ा चा दसें सजना लिख के लाम दका मुल्ला केड़ा लिख के लाम दका मुल्ला जेड़ा अलफ के नाल दा दाम लोगे
की इंतहाई नहीं मैनू इला इला तक लै गया ता
ਸਾਇਲ ਗੁਰਬਹਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਖਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾੜੇ ਹੋਣੇ ਜੀਓ ਜੀਓ ਅਗਰ ਹੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪੈਦ ਹੀ ਲੋਨੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਇਲ ਗੁਰਬਹਾਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੇ ਦਰਬਾਨ दुनिया झूठी है बेमान है लोग लेकिन अल्लाह बेमान नहीं है उसकी जात सच्ची है अल्लाह की जात कुरान करीम के साथ फरमाया इंसाना अगर तुम इसको चलिया याद कर जमीन पर बैठ के किसी जंगल मैं तुम्हें आसमान पर चलिया याद करता हूँ तू कोई सर हुए जमीन मैं इंसाना नहीं बदल बैठ कर याद कर मैं तुम्हें फिश्तिया बैठ याद करता इको मंजिल है कि जेड़ा इंसान सारी जिंदगी खुदा की याद मुबतला दिया रहना उसने किस तरह नहीं रबता हो सकता खुदा भाई सारी जिंदगी जहाज एक बार किया खुदा की याद ही गिरया और उस दुनिया ने संदेश छोड़ दिता तो उसने रबता किस तरह नहीं हो सकना एक बंदा बंदे की याद ही गिरया तो हो नहीं सकना बंदा उसकी ताबेदारी ना करे तो जल्द खुदा की याद बंदा रहे तो एक कदम नहीं सकना रबता ना हो सकता खुदा लेकिन अब बात अकी और ईमान नहीं होगी एको मकाम है जितना इंसान तो खुदा की याद ही हो जाए अगर बंदा उसका बंदा अपने आप तस्लीम करे तो कुफर ला दूंगा ये किस तरह आखिर के रास्ता नहीं हो सकना फर्क अपनी अपनी सोच समझ की बात होगी ताकि शहर हो गए शेर खान कोई इतनी गल करता जितना जहन होगा हरजी साहब ने शेर दुआ सदना इब्तदा जिसकी अमर कुल सी है इब्तदा जिसकी अमर कुल सी है मैनू इल्ला इला तक लै गया बंदा आखिया
ਕਿ ਬੜਾ ਯਾਰ ਸਾਹ ਰੱਬ ਕੀ ਰੋਲਿਆ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਮੈਂ ਲੋੜਿਆ ਬੜਾ ਆ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਵਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ खुदा उन्हें रोजी दे रहा। एक वाकया नजर करी सका
हजरत मूसा सरकार ने दौर लिया। सरकार एक दफा एक जगह तो गुजरे, एक इंसान मिलया। सरकार तो बड़े अल्लाह ने जलीलो कदर नबी हो, अल्लाह नाल हम कलाम होने हो। मेरा एक सवाल है, सरकार फरमाया के मेरे त्रै सवाल है कमोशी नाल जी। तो सवाल केड़े? एक खुदा की खुदा ना मानना, दूआ उसनी रोजी ना खाना जाना, त्री उसने रूए जमीन ते ना रहना जाना। सरकार बड़े हैरान होए, पर सवाल हो जेड़े त्रै नामुमकिन है। सरकार चले गए वादिये कतूर ते, हम कलाम होए अल्लाह दी ज़ात नाल। ऐ खुदाया, अज एक रूए जमीन ते तेरा बंदा मिलिया, उसने सवाल है। तो सवाल केड़े? पहला सवाल उस आख्या कि मैं खुदा की खुदा ना मनना। दूआ सवाल हो कि मैं उसने रोजी ना खाना चाहना। त्री गल है कि उसने रूए जमीन ते ना रहना चाहना। रब ने दास फरमाया बिल्कुल ठीक है। उसकी गौ आख मूसा, मिकी रब ना मन, तुहाड़े ना मन माड़ा क्या घट आया? भाई एक बंदा अगर अल्लाह की ना मनसी या दार ना मनसी तो उसने खजाने की कमी आ जाती, या उसकी शान कोई फर्क आ गया सी? नहीं आ सकना। खुदा ने जा फरमाया मूसा जा उसकी आख ना खुदा मन तुम्हें कोई इतराज नहीं। अगली गल, तू मारी रूए जमीन पर नहीं रहना चाहना, इसना में कोई इतराज नहीं, जितना मर्जी है जाई रहो। अगर तू किसी और जमीन किसा खुदा नहीं मेरे जानी तुझे चला गो, लेकिन एक मेरी ड्यूटी है केड़ी? मैं राजक हूं, मैं तुकी रिजक जरूर देता। अगर वो ना मन रहा कि प्यार रिजक देना, उधर अरसे खड़ी पे आने पर रब दिलों में रहना, तो इंसान किस तरह आ सकता, रबता नहीं हो सकता, करने वाले कर सकने, पर बड़ी मेहनत की जरूरत होनी। उधर हजरत मूसा सरकार मोसी ना जी शायरी मकसद ये होना कि बंदे की समझाओ, एवं टले मारने लोगों का पता कि कोई मकसद नहीं होना। गल कोई भी है दलील ना लो, मैं तो गल ना सच आना जी शुरू हुई थी, पर ठा ठू लगी रहा फौजा बार छा रहे। सरकार नबी से इस जगह तो गुजरे, माई पाक मिली, सवाल किया सरकार अगर कि मेरे नसीब कोई बची बचा नहीं, ज्यादा तुम उन्होंने लम कलाम होने हो, इसने बारे पूछा है। सरकार फरमाया ठीक है, खुदा की जात नाल हम कलाम होए। तो खुदा इस तरह कमाई मिली, उसने सवाल आ, तो सवाल केड़ा? तो उस माई ये गल आखी कि मेरे नसीब कोई बची बचा नहीं, तुसा खुदा को पूछे आया कि मेरे नसीब भी है या कि नहीं? गैबी सदा हथ में गैब आई, जिसकी साने गैबी आवाज, वो आवाज केड़ी है? मूसा, उसने वक्त कोई बची बचा नहीं है। सरकार वापस आए, माई मिली पूछया क्यों सरकार? सरकार फरमाया के तेरे नसीब कोई बची बचा नहीं। माई बड़ी परेशान हुई, इसा परेशानी ने आलम फिरनी फिरनी फिरनी, एक कलंदर मजजूब जिसी आखने, जिसने डायरेक्ट रबते होने, वली तो शरीयत रे बंद होना, लेकिन इस ओ मंजिल है जी डायरेक्ट ले जानी इंसान ने, इस पिछड़न कोई जोड़ नहीं। जाया किसी तुम ख्याल में मनी दसना, ओ मजजूब कलंदर उस जंगल बैठा, माई पास उस जंगल चले जाने, उस दीवाने तकिया कि माई बड़ी परेशानी नाल में फिर रही। सरकार फरमाया माई क्या गल है, क्या बात है? आख्या कि सरकार मेरे नसीब कोई बची बचा नहीं। आपने फरमाया जा तुहानू रब दो बच्चे देसी, जा रब तुहानू दो बच्चे देसी। माई वापस आई कुछ अरसे तो बाद, अल्लाह नी जात उसनी जात ते अपना कर्म फजल किया, उसनी गौ दी दो लाख के बच्चे पे फेरे। फिर सरकार मूसा नाल दौर गुजर होया। उदो माई पूछया मूसा, मैं तुसा के कुछ अरसा पहले सवाल किया सी कि मेरे घर कोई बची बच्चा नहीं है,
उसने जवाब भी मिलिया तेरे नसीब च नहीं। अज मेरी गोद विच दो लाल जेखे ने गए। तू कि झूठा आखा या खुदा की झूठा आखा? सरकार बड़े हैरान होए भाई, एक नवी ब्याह गल अल्लाह की आखना तो खुदा की जात आनी है, मूसा नहीं हो सकनी। एक बली पे उधर दो बच्चे दवाना। खुदा की जात फरमाया ए मूसा इंसानी गोश्त चाहिए आया, इंसानी गोश्त चाहिए आया। डायरेक्ट रबते नहीं बात, जिस वक्त इंसानी गोश्त इम्तिहान होया हजरत मूसा सरकार और कावी और छुरी की थी फिरना शुरू हुई है। फिरने फिरने जिसने वो गच्छे पूछा जने भी उस पास गौर नहीं की थी। तो फिर रबते किस तरह हो जे मसीती थाना समझे उन्होंने कुछ रबता वै क्या ख्याल है? रबते तो उन्होंने होने जे उस पास दसने क्योंकि जहाँ के रस्ते फिर आ कहता जेड़े चुपते नहीं उसे दलील होते। सरकार फिरने फिरने हर पासू ने कौमी मजूसी मिली, उस जंगल चले गए उस मजदूर को जिला उत्थे पहुंचे। सरकार तकिया के मूसा साहब सरकार आ रहे, अर्ज की कि या मूसा अब बड़े परेशान हो, कई चीज की जरूरत है? तो मूसा सरकार फरमाया कि खुदा की जात इंसानी गोश्त मंगया। जिस वक्त सरकार ने सवाल किया फरमाया कि खुदा की जात इंसानी गोश्त तलब किया, उस मजदूर पैर ने नूह तो कि सिर ने चोटी दी, हर वजूद ने टुकड़ा ला के दिता। मूसा सरकार फरमाया कि अल्लाह की जात ने गोश्त में हर टुकड़ा इंसानी मंगया थी। उस मजदूर आख्या कि ना जाने खुदा की इंसान ने कहे वजूद ने इसे गोश्त पसंद होती, इसने मारे सारे वजूद ने तू टुकड़े ले जा। हजरत मूसा सरकार वादिया कतूर तक पहुंचे, गाबी सुताई है मूसा तू भी इंसान से तू भी गोश्त दे सकना से, तो जेड़ा बंदा गोश्त दे सकना पुत्र भी खरीद सकना, तो जेड़ी मंदिर इश्क होनी इसने रबते डायरेक्ट हो सकने। हंजी साहब लिखे आ सजना तू मुतलाशी ते मैं बिना सूरत, इधरू रबता कट से उधरू शाशा की आवाज ऐसी, जे इधर भी कोठियां कारा गड़िया ने मगर प्यारे तो फिर उधर नहीं मंदिर मिली। तू मुतलाशी ते मैं बिना सूरत आज तक की पाया जूस कदू अंदर, बिल्कुल खलो खलो खलो
अगर कोई बंदा ऐले इलम उठी ताक जटा गलत आ मैं हार मनना मैं फिर छोड़ बात समझ नहीं होनी ठीक है फिर जवाब देने पे सब बैठ जाओ पूछो ना तुसेरा तको तुसा गल्ला बाईया सारी ठीक है सब सुनिया आप बोलूंगा तकरीर वाला था शेर वाला जवाब दो बस कुछ बुद्धि आ जाई बस 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 इना फरमाया चुप हो के नबी की पैदा कीता रब्बुल इज्जत ने से अपनी पहचान नहीं खाता रब तू उनको और कोई पहचान ना नहीं था रब अपनी पहचान नहीं था करा सकना अच्छा शेर सुनो जियो जियो तो रब है अगर ना नबी पैदा करना तो मेरा रब है ना पर रब रुबाब जया मैं पहले आज की किसी पर रब रुबाब सब रब ना तो बोल सर कुछ पूछने नहीं थे तेनो ना नहीं रब ये गल है दूसरी गल अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी खाकी अपनी फितरत से ननूरी है ना ना ये बात ये होनी जितनी कुछ बता कमाई करना या किसी मजदूरी करे उतने कुछ लग जाना लेकिन रब अगर नबी की ना पैदा करना तभी निजाम कुदरत में चल सकना सी रब ने छत ऐसा पाया इसने कोई दस नहीं जिस इन्हें आख्या भाई बंदा आना ना उसकी जमीन पर रहना ना ही उसने रिजक खाना ते रब की रब भी ना मनना ते बंदा भी वह रब ना पैदा किया उसने तकलीक हो वह ठीक है अभी साहब ने जनाब की खिदमत शेर पेश कर लगा आख्या यादा मेरिया ओ सोनिया यादा मेरिया ओ तेरिया तेरिया नहीं यादा मेरिया मेरिया मेरिया
दरवाजे फिर बिना गल आखी अगर नबी नी पैदाश ना होनी खुदा फिर भी खुदा ही गल तो वाकई अच्छा करे मैं कदू आखिया खुदा खुदा नहीं थी काफर भी तो थे ही ना एक मैं भी अर्ज की पर काफर भी थे जो खुदा की नहीं मने खुदा ने भी तेरा जाना फिर इधर बड़े बड़े बंदे जिन्हें बड़िया बड़िया दाड़ियां तो बड़िया तस्वीर चाहिए हुई वो गल फिर हुआ आ गई नीयत नहीं पर नीयत नहीं ठीक तो कुछ भी नहीं असा मने सरकारे दुआलम आमद हुई असा की दुनिया दीन ने पता लगा वरना इस तू पहले तो कुफर ही कुफर सी बड़े नबी आए कितने नबी आए लेकिन क्या होया कुफर नहीं खत्म हो सकया हर पास जहालत ही रही फिर इस रूए जमीन पर इस ग्रैंड में नहीं पता तो मेरे शहर चले गए 1375 जने उसने जो नबी की नबी नहीं पे नूर नहीं पे मने ओके लिस्ट जुड़ सो और वो भी तो थे ये ना उन्हें कड़ी डिस्ट्रिक्ट गिर सो बार का अपनी अपनी सोच समझ आनी जितने तक बंदा तू जाना उतने तक परिवार कर सकता जितने तक समझ आनी उतने तक गल कर सकता जितने तक कुछ नहीं इनमी रोशनी होनी उतने तक गल कर सकता बार का अजी साहब ने शेर नाल शेर मास्टर सार साहब ने सरकार फरमाने तो आने सजना रब रब करना एहसान वेखन अल्लाह अल्लाह तुसें पे करने आ ना रब रब करना एहसान वेखन रब दी दात दा मिलना मनाना मुश्किल चोट लगी नहीं नजर आज अल्लाह कसी अगे और गया फिर तक थोड़ी देर असल पता गया ये शुगल होना है प्यार मोहब्बत दी गल होनी तो ये जी जंग होनी है अदब नहीं होनी सारी जाति कोई मुखालफत नहीं तो बाड़ी संघ थे जी ये मिलो रहने मैं थे जाली रहना ये अदब नहीं हमें दाना है क्या अदब नहीं कहते तुम्हारे साहब आने सदना रब रब करना एहसान देखन रब दी जात दा मिलना मिलाना मुश्किल डाके मारने सौखे बिचरा हक दे राह हक विच करनू लटाना मुश्किल काली नमाज नाल पढ़ो इसे नाल और भी कुछ बहुत सारे काम है ये बाद आपने रहन फिर कोई औखी गल है फिर क्या सजना पढ़नी विचो है मसीती नमाज औखी पढ़नी विचो मसीती नमाज औखी सजदा हक विच सर नु कटाना मुश्किल पल वे खत्म पर खाना निसार सौखे तखो ना जने बड़े कलमे पढ़ने बड़े खत्म पढ़ने दो त्रै सूरत याद करी सकिया सारी खावा अलहमदुल्ला याद आ गई मोदी साहब जी कोई तक कोई माई बड़ी गरीब थी वो गई उस आख्या सरकार खत्म आ मैं आख्या जी सुभान अल्लाह जरूर ऐसा तभी ना आया टाइम दिता रे तो पांच मिनट पहले पहुंची गए खत्म जे सा पता होना खतरा काम जरा बल होना तू सा काम तेरे घर पे मर जा पूरी पूरी तक नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे प्रोग्राम बदलाया ओ नहीं छोड़ है रे है रे अच्छा घर सुनी ते ओ माई जी आख्या ता मोनी साहब पहुंची गए ते जेला खत्म छे तो होई रिया सरकार बड़े चौड़े होई ते बैठे चपड़े होई ते ते माई रा आख्या घर सुनो मोरी जी ते कुकर चोरी ना आया अगर गल ईमान नहीं है सोचने नहीं है
भाई राजा मोरी की कुकर चोरी ना आया मोरी ना नाउज बिल ना ये रोटी मैंने खाना ये कुकर चोरी ना कि तुम भी रोटी खिलाने हो अच्छा चलो शोरबा पाई दियो थोड़ा बहुत गाला करने ऐसे हैं जी अब तक तो सत्य को समान गए समान ऐसा नया नया जाती है सब रखी हुई इतना कितने जने बैठे हैं तो बीच बीच यह जो बंदे बैठे हो संग कौन से जाने से उन्हें खून पी कर था लेकिन शरीयत भी शराब वाम जीवित मुसलमान वास्ते कोई जाहिर नहीं अधिशेर रसूल ने मुताबिक मोमिन मुसलमान वास्ते क्या दिखाना है काफिर वास्ते है लेकिन चलो कल मैं क्या किया था ओ मोरी साहब तकरे से पे चोरी है कि ना जाहले बाजी चोरी चोरी तारने से वो चोरी तकर में चोरी मुड़ी मुड़ी चला चमके हुए वो भी मुझे है चोरी तकर मुझे ही पानी आ गया चोरी पड़ी सदी जैसे अल्लाह बाजी था वो जिले पानी आ गया ये तो भाई फिर मुड़ी कट्टा सट्टा फिर चमचा बस फिर चोरी चली तो मोदी ने आशा दर सुनो ये जिले मर्जी मारा सुनी चीज चंदियो मुसलमानी बड़ी औखी है मुसलमान खाना बनना बड़ा औखाया सुनते रसूल अब चलना बड़ा औखाया खाली दक्षिणा मारना हो तो मकसद नहीं ये दक्षिणा में अंग्रेज नमाज में अल्लाह जी उठा दे ना 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 हल रे खत्म होए पर खाने निसार सबके हल रे खत्म पर खाने निसार सबके लोग ले गए कुरान वो सुनाना मुश्किल पर रब की ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है दुनिया नहीं कोई नहीं गल है उसकी पान वास्ते औखा है औखा जरांगा औखा भी हर बंदा आखे मैं बनाई के बार बार मा इससे ही मजमून आने की कानून याद आई अनवर की साहब आखे आ भाई तेरे रोजे नमाजानु की करना ये गल है तेरे रोजे नमाज की करना जे नहीं लोका नाल तेरा बरतारा अच्छा राजी करदा रो भवे खुदाई भवे बंदा है रब दा प्यारा अच्छा ये गल है इब्ने आदम ला नहीं जे खुदा अच्छा बहुत खूब दुनिया के बंदे ही बंदे को लोग बताए हो तो रब कभी राजी होना बंदा ही अगर बंदे पर राजी नहीं भाई डर वह जना जहर नहीं जाती ये आज गली सारी जाती है जी या कोई और चोरी का तो पहले तो माल उठी कर दी तो उस बंदे पर अगर बंदे ही बताए तो रब कभी उसने पर राजी आ कीकन हक इंसानी थी जान छुपसी इब्ने आदम ना नहीं दे गुजारा अच्छा दफ्तर अमल दी किसनु है खबर अनवर है हमारा अच्छा यार तुम्हारा अच्छा जनाब राजी करता रो पवे खुदा ने तू बंदा रब दा कितना प्यारा अच्छा है गल बड़ी काबले गौर सब का मोज गल है आम फहम वास्ते नहीं है ये उन्हें लोगों वास्ते ही जेड़े ब्रीक बीन जाने कुछ गल है कि जेड़े समझने ते जेड़े खाली मस्त करे सारे हल और उन्होंने बात नहीं बात नहीं पर शाद है और क्या है बंदिया तू रोजे भी प्यार रख नमाजा भी प्यार रख
हाल है कि शादे नबी है, शादे खुदाबंदी है। सुनीता जी पहलवान भी सारे प्रसाद नहीं रोजे गया विश्वास नहीं रोजे, इसने बावजूद भी सरदार साहब जी साथ सुनाया पर तू नमाजा भी क्या पढ़ रोजे भी क्या रख क्या विश्वासा दे पर एक गल है तू तुम्हारी जान नहीं छुट्टनी बंदे आ कि गल जे थोड़ा आदम की औलाद न अच्छा बर्ताव नहीं किया यानी इतने आदम न जे नहीं गुजारा अच्छा है जी आदम की औलाद या सब सारे भरा बैठे हाँ अगर इंसान ना थोड़ा कोई बर्ताव सलूक अच्छा नहीं तो फिर एक कदम भी ना आखिया जे मैं जन्नत में बैठा हाँ फिर क्या नमाजा पढ़ना रहो अगर खुदा की जात क्यों नहीं इंसान की इन्हों मकाना में उपयोग पैदा कर सकना था अगर खुदा की जात क्या नहीं इंसान की ना फसल भी पैदा कर सकना था खुदा जितों भी जाना इंसान की पैदा कर सकता था अपना जन्म हो सकता था ठीक हो सकनी थी लेकिन नहीं खुदा की जात इसे हमारे इंसान की पैदा किया कि दुनिया पर मुहब्बत ना रह सकन ये दुनिया तकदीर की मुहब्बत नहीं है नामा गल गई शुरू हुई थी इसे गल सजना रद्द कर शैतान लखौल पढ़ के रद्द कर शैतान लखौल पढ़ के मूठी शिवर इनकार के सुदारो अपनी चुकी इज्जत मारे कूल मारना है पहले लोगों को तुम्हारी बड़ी शोहरत है अगर खुदा नबी निजात तू कटिया गया तो फिर गया है उन्होंने नजर तू फिर दुसारे गया तो फिर इंसाना गया है दुनिया तू क्या चूसी शोहरत की लौटा नक्शे पाके दसना है चन वांग चलता चल लाया कदम रुकता रहो नक्शे पा के दसना चन वांगू नक्शे पा पा के दसना है चन वांगू चलता चल या कदम चुकता रहो क्या कर नबी करीम नवाज शरीफ से गए ते खुदा ने जात फरमाया मूसा नबी ए मेरे प्यारे महबूब मेरे वास्ते की तोहफा आंदा है हजूर ने फरमाया कि आज सी जिस इंसान में आजजी है वो खुदा की नजर में मकबूल है तो जिसने गरूर है खुदा की जात की नजर को दूर है शैतान फरिश्तिया ने सरदार होया चप्पे चप्पे ते संदे किते बड़ी रियाजत आबादत की थी लेकिन दुर्कारन होया एक नुक्ते तो दुर्कार गया वो क्यों गरूर पीछा वो अगर मैं गल की तो दुर्गा आ गया सा जने पहलों गल गलत पाई सकी इसे मेरे खुदा ने जात साथ फरमाया कि मिकी वो बंदा सब तू प्यारा है सब तू अफजल है केड़ा केड़ा दिले बीमारी ना रखी जे मसीती नमाज पढ़ी हो ता है और लाले दिते नहीं गाड़ी शामी के चुका पड़ी जे दिले छे क्या है तो खेली नमाज नहीं हैं जी कोई गल होनी समझ नहीं सोच नहीं खलदार तरह दे वांग मुन्नत जिस रखते फल लगना उसने रुख जमीन अल पासे हो जाना फलदार रस्त के वांग मुन्नत सत्ता
सट्टा पैदा रहने तू चुकदार हो जनाब फरमाया जिस तरह इन्होंने शैतान इनकार किया आदम सजदा ना करना है रब सजदा तेरी जात गया ते चप्पे मिल मिल का तेरे सजदे मौला कीते ता आज आई समिति गए मैं सजदा करा ये ना सोचिया भाई हुक्म कौन दे रहा रब खुद जे फरमा रहा कि तू आदम अगर सजदा कर ते जेड़ा रब ने फरमान की तू कराया कौन है उसने गाली से लाने में दबक पाया था उन्होंने साबित सही मुकाम पे फरमाया ला तक ना तू वाल में कीवे तक ला तक ना तू वाल में कीवे तक मुंह मेरा होया ताला से आई दे नाल उच्चा हो के डिग गया शैतान वांग चक्कर मार के ला परवाही दे नाल बल तो बाकी ती नहीं गुनाह थी बाद आया आखिरी शेर अनवर कुरैशी ना उस तो बाद नात पढ़ने या फिर अगर सब लोग फिर अगलियां गल्ला हां जी शेर आ बच्चे हम बोल आ बेटू शेर आ फिर अंदर अष्टक पे स्टेप का दो सीना ज्यादा क्लोज हो इस वास्ते खामोशी ना बे खामोशी सुन तू सुना दी पाई समझ आ जाएगा उर्दू शायर ने शेर सुना के यूं तो मेरे खलूस की कीमत कम न थी यूं तो मेरे खलूस की कीमत कम न थी कुछ लोग कम शनास थे जो दौलत पे मार गए साहब आने पैदा करना न करना ये कम उस्ता पैदा करना ना करना एक कम उसका जीना मैं इंसाना तोड़ा क्या काम है तेरा कम मैं भीज लू बो देना जे ना देवे ते केड़ा सदा सकता रोक सकता नहीं मौला ने नहीं मनासब नहीं मनासब के गार खुदा बाजू करना गिल्ला तकदीर नू रो देना नहीं कोई जुर्म होए सिरा करी भी आऊंगा बंदे की तारीफ करनी शुरू करी तक नहीं मुक्की तो खुदा की तारीफ नबी की तारीफ या उसने प्यारे की तारीफ एक मैं नहीं या लाख नहीं पूरी दुनिया ने निशान पै जान रूए जमीन ने दस कलमा मान जान समुंदर सियाया बन जाओ अर्श तू फर्श तक लै के मखलूक सारी बह जाए खुदा और नबी की तारीफ नहीं मुक सकी आदम तू लै के अज दिन तक तारीफ होनी रही होनी रह सी जब तक दुनिया ने इस्लाम का कायम ना मुकी ना ही कोई मुका सकता और का अस्बे तफीक द
दो दो शेर नाथ ने तो फिर सब लुटो नहीं गल उठी। चंद गलियां मेरिया कबूल कर
पैर आप ही पेश करना संभाल के रख दो जहां लगे पता लगदा नहीं केड़े कसूर अंदर दुख चोली चलते नहीं मार अम्मा एक दिन करके बड़ा पसंद मैं कीता ही जद जलवान मार अम्मा धक्के खाने आए देख अज खुश रहना दुनिया से हजार दुश्मन सुखी सजना दुखता दे दुश्मन सुखी सजना दुखता दे देखिए जब जई तेरी वफा रब्बा अखी में नियो वो जबा महबूबियों के कुछ ने बोल दें बेपरवाह रब्बा वो मेरा कुछ भी नहीं वो मेरा हक भी नहीं करंगा तो कोई इतनी दबा रब्बा मालक होए मर्जी दा करेंगे मालक तू है अजो समा रब्बा चंगा यारा दी यारी दा बरम रखिया देवा किस तरह दिनू पुला रब्बा वो तेनू सब की है तेनू खबर की है कि मैं हो दाव छोड़े ना तार मेरी खां के करे गुजरान को पता लग जाएगी मेरा यार अब्बा छुट जावे मैं छोड़े नहीं रस्म सारी ओ दिल मुझ तन छे मदार नवे दौर ते नवे दस्तूर देखा ये पुछा हूं मैं अपनी सनार बनिया तेरा तमाशा तबाई था तेरा होया जे कोई ने जुदार पा कितना दिलदार अपना जदू पहुंचिया सोना करीब तेरे जशन आमद दा दिता ही मना रब्बा साड़ी वारी आई देखी होया वो भी फिर सकदा सी तेरा क्या रब्बा तेरी कमी है तेरे खजाने अंदर वो सदका सज तन हुए कर्म कमा रब्बा नहीं तो मेरी ना मन पावे मन वास्ता हो कर्म बला रब्बा
सुनदा त्या रो रो सवाल कर जाई वो दुखिए दिल दी प्यास बुझार पा आखिर सारिया गल्लां दा मन ना एक आखरी गल सवाल मेरा मन ले केड़ा सवाल पड़े चाहे गुलाम अली पड़े चाहे शौकत पड़े चाहे औरत सवाल पड़े चाहे बंदा नचीज पड़े मेरे सामने खेल की तरह दिखाई जाए सरकार फरमाने ताने कर दे मेरे हरिया आवाज करी देने अमाली दा दम पानी देना अमाली दा दम पानी देना पर मशीका पवे असल करते थर थर कमाना तेरे उच्चिया शाना वाले Thank you.
सामने सरकार फरमाने ताने मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा उच्चियां दे संग लाईए
आटे को किसा पूछा भाई गोल किस तरह होया उस आके ठोकरा खाई खेलते मेरे दादा मोतम आबद साहब जड़े के इस फन्ने शिरखाने में बड़ा मुकाम रखने मैं ना तय दिल की कदर करना या मैं एक खसार जा बंदा है मैं अर्ज कर सा कि मैं अपने बरादरे मोहतरम पैरजाक साहब ने तुसा ने जैन निशीन गल करी सका कि हुन शागिर्दी शुरू की थी वाह जी वाह सारी विजय आज काली बजम आए था मैं मतरो भाई ने बजम सब लोग ने चल बड़ी गल है जी वाह जी वाह बहुत दूर बहुत दूर सारा खुद ही था बड़ो बड़ो और उन्होंने मेरे बड़े प्यारे दोस्त जनाब शाबो साहब ने लाया या शराब लाया
بڑے سچ گل ہے ہاں تدارف صاحب بڑا شابو نانا دا مشہور ہے گھر بھی نہیں سنا اپنے چار بندے انہاں نام ہی پتہ یارب یا تدارف چلو جڑا ہو جائے لیکن شابو نانا دا مشہور ہے بڑے اپنے وقت کوڈی نے بڑے اچھے پلیئر تھے انہاں دوستاں نے فرمائش شیر سان صاحب نا جنہ تعلق قصر آباد نہ سجنا کدو آوے گا جانے بار میرا کدو آوے گا جانے بار میرا بل بل باغران دا انتظار میں ساجن آوے گا آمن لے چڑھا گیا ہے ساجن آوے گا آمن لے چڑھا گیا ہے اس دے وعدے ایک پورا اعتبار میں عاشق انتظار محبوب کو تھکنا میں یوس نہیں ہو رہا پہلا کتنے میں انتظار کر رہی تھی گچھا تمہارا سجنا اس کے بعد کروں گے شک ماسا سار دے وے سار دے وے جنم دینار میں پھر کیا سجنا وقت مرگ تو کمل اکوار سائن وقت مرگ تو کمل اکوار سائن جیسی یاد کی بابا ضرور پسند اپنی اپنی شیر ایک فرمائشیا فرمائش ہے صاحبزادہ عظمت صاحب جنہوں نے تعلق مغلوبے نال ہے اور فدا صاحب جنہوں نے میوزک سینٹر تگڑ شہید آشوار روڈ ہے انہوں نے اس طریقہ فرمائش ہے مسکین مکھی صاحب نا جناب کی خدمت پیش کر سا آخر جس دلدار نے میں دید ترسنا اس نے دید نہیں ہونی شاید کچھ اس کا خیال آ مشتاق نے جس دید نہیں دید مشتاق میرے
मेरे सुखन बदलू अदान मंदे ऐले सुखन सकाफत जे मैं सारे मेरे कलम ऐले सुखन सकाफत दे मैं सारे मेरे कलम मेरी दबान मंदे सब कर दिए तस्लीम मिर्जा केड़ी गल की दोस्त दुश्मन सब कर दिए तस्लीम मिर्जा आने दर जो मैनू सुखन दान मंदे फरमाइशी सिलसिले वाजिबा शेर बादल साहब ना वाह जी वाह फरमाइश है मेरे दोस्तों ने राजा खालिद साहब और राजा आबद साहब जिन्होंने तलक मदार ना है इन्होंने फरमाइशिया शेर शेर अशकेदार अपने महबूब की मुखातब करना आखा है मेरे दोस्त अगर तू मेरी जात पे यकीन नहीं है ये रात ने तारे को पूछ रहे पर तेरी याद इस कितना कितना मेरे होना अच्छा बेवफा तेनू खबर ही नहीं क्यों अच्छा दिन बाद रात तेरी याद इस तवस्ता मेरी महबूबा तेनू कहते हैं तेरी प्यार ही नहीं आया कोई आशिकार मेरी याद ही जरूर है ना लिखा अपने मुकद्दर पे खूब मातम तेरे दर्दों में सिखाए तू फिर वो शिकवा शिकवा किसान करम के बादल वो जद के जिस तरह के ब्रदर ने इरशाद फरमाया कि किला किसे दा की है साडे नसीब च लिखण वाले ने अतुल लिख दिते कोई प्यारे महबूब च नाम मिल गया यादे महबूब बिच रोना पिया ओ मेरे अखियां च जड़े अथरू पे गिरने ओ मोती पे बने साडे कीमती अथरू मोती
मेरे साबी ने ठीक हो
मेरे बैरियों ने बड़ा कम किया, मेरे साह भी मैं ठीक हो गए, अब हम ने कोई घाटी नहीं की। ते गल केड़ी सी बिरदा नाल गवाया वो गुड़ी लभी आई, बिरदा नाल गवाया वो गुड़ी लभी आई, वो सारे बख्तों ने टोए डूंगे,
ते बड़िया अखियां ने पाइया पटियां खिड़की नहीं जे खोल के दस देना वो मेरे दिल उत्ते दो दो बत्तियां नी आख्या तत्ती रात ने खोलू या मेरी कम जादियां ए सुन के तत्तियां नी क्या होया ओगे अखियां थी वे चन मागू गोया आख्या किस चन नी मैं तलाशा जिसनू रोल लिया हो मेरी अखा दो जल हो गया और मैं अखियां थी वे चन मागू गोया वो पेया सिलसिले शेर है फरमैश करने वाले मेरे बरादर जनाब नासिर महमूद राशिद महमूद आबद हुसैन कैसर महमूद आप क्या लिखे जी चक चौधरी हैं क्या गुनाह लिखे हक लिखा अच्छा जनाब ये सही पढ़िया मक चौधरी ना तलक जी शेर जमुर साहब ना जिस तरह के रजाक साहब फरमाया मजमून है नाल गल आ गई भाई बाबू जिदा हो गया दिल की नींद है वाह जेड़े लोग को सीन होने दिल बड़े प्यार से लाड़ लाड़ किन्ने ये दसने नहीं ऐसा दिल कि ना गया क्यों चाचा जिला किन्ने दिल नहीं नबड़े चाचे प्रभु मुझे किन्ने हाय 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 आवाज दीवाने ना दिल्ली पुकार पुकार केड़ी ओ सदाबहार सदाबहार के शाद रोटू ओ सदना सदाबहार के शाद रोटू मेरा दुखी मेरा सुखी दिल लाके लाके सतान बनिया ये सदा दुखना 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 तेरे तेरे नजदीक आवे ओ गली गली विच मैनू ओ दलार मान वालिया पर फिर जवाब ये ना दी ओ केड़ी ए मौला शादे ए मौला शादे रखे आबाद तनू मैनू मतनी देश बनान वालिया रू देना रू देना दवाई जमुर्द जासी दवा केड़ी है महबूब तेरी याद बड़ा दलीलो खबार हो जा लेकिन फिर भी मैं सब पर केड़ी प्रकार आवाज है आवाज केड़ी रू देना दवाई मुड़ जासी केड़ी मैनू अजकल एक शुभ ठेकेदारी ना इन्होंने बहुत पसंदीदा शेर जहां भी किसी महफिल की हाजिर होए इन्होंने पसंद ना शेरा इंसान बचपन में माफी कर रहा उसकी कोई गम और फिक्र नहीं होना कोई सोच नहीं होनी जहां जहां
जवानी ने जमे जाना ते दुनिया ने हर दुख उसने पेश आ जाने फिर पैर ध्यान करना कि मेरा बचपन का वक्त जरा वो बड़ा चंगा गया सी ए मेरे दोस्त फरमाइश है आप भी तुम्हें जाना आगरे किस्मत है ठीक है भाई हाय असल गल
जने ऐसे बड़े के साथ आए कदाई साड़े ले जाइयो और तुसम फिरो नवा शेर लिखिया सादे सादे लफ्ज़ फरमाइश मेरे ब्रादर जनाब शहजाद मुंदरी साहब मानर नाल तल्लत उन्हां नाल मेरे बड़े प्यारे अजीज इश्तियाक फट पोठी बंजाल नाल तल्लत उन्हां नाल मेरे दोस्त जनाब राजा कैसर साहब सुखन नाल तल्लत ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਸਤਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾ ਬੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਏ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਕਲਿਆਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮੋਸਨ ਏ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋਕ ਵਿਚਾਲ ਕਲਿਆਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆ ਉਹ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗਦਰ ਗਾਇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਦਨਾ ਆਸ਼ਕ ਮਹਿਬੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਜਨ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਤੀ ਦੀ ਮਸਤ ਮਖਮੂਰੀਓ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜਾਂ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜਾਂ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤ ਤੇ ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਮਾਣਾ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਲਾਂ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਗਰ ਆਸ਼ਕ ਕਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾ ਗੈਰ ਸੀ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਅਸਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਰੂਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਜਾ ਪਿਆਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਪੀ ਬਲਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਤੇ ਪਿਆ ਦਿਲ 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 ਪਿਆ ਦਿਲ ਵਤਾਂ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਖਾਤਰ ਯਾਰ ਵਾਦੇ ਕਰਨ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਹਣ ਕੱਲ ਬੜੇ ਐਦੋ ਪੈਮਾਨ ਵਾਦੇ ਕਰਨਾ ਸੇ ਇਹ ਯਾਰੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਹੀ ਚੜੇ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦਸ ਕੁੜ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਚੰਡੇ ਪਿਆ ਝੋਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਦਾਵੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣੀ ਪਿਆ ਦਵਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦੋ ਬੋਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਮਜਦ ਔਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਉਲ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮੰਡਾਰ ਨਾਲ ਹੈ
इन्होंने कुछ तरीका जी फरमैश शेर मेरे बहुत प्यारे जी दोस्त जेड़े तुसन इस महफिल समाज बैठे अख्तर ताजिम साहब इन्होंने लिखा शेर जनाब जी पेश कर लगा ख्याल कुछ इस तरह आख्या मेरे महबूबा खबर नहीं तेन तेरी याद नहीं गारा लोग सारे शिकवे गिले महबूब अपनी अपने सिर्फ जने उधर जा पूरा किया माड़े पर गल ना आ गया मैं भी मैं लाने रहा मैं भी शामिल हाँ पर गल सारी तू उपरे गई ज्यादा भुलाइया इसे मूह गल मास्टर सार साहब ने जी हजार बार पेश हुई मैं अपना बड़े प्यारे जी अंदाज शहर में शोर याद आया बात है बसों के इंजराने के अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने चंगा हो गया कि मेरे अंदर छुट्टी किया हो सकता क्या किसी कितना गरीब पा रहा है मास्टर साहब बने यार
किसकी उस तुमरात मेरे महबूब की याद ये याद याद तड़पती रही उसकी ये विदा जिसे परदेश में कर चुका था याद तड़पती रही उसकी जा परदेश कोई जा परदेश कोई उसे भूल गया किसे जी जिंदगी किसे जिसका बर चुका था याद तड़पती रही उसकी क्या होया मैं इंतजार करते इंतजार करते कब थक गया मैं और यसना जहां से गुजर चुका था याद तड़पती रही पाती रही उसकी होया क्या ओ आने वाला जब आया निसार वापस आने वाला जब आया निसार वापस इंतजार जो दिखिया मर चुका था मरीज क्या जड़ी क्या सही होनी जिंदगी
आखिया के ताड़ी दो थड़ बजनी ये मनिया ताड़ी दो या थड़ बजनी पर कहीं जने कले नर भी बजाई किन्हें वो जना सन कोई गुड्डी सी एक दूसरा क्या पुत्र सा बड़ा तेज था वो कुसन कर में मार गए थे उन्हें बड़ा खाना देना बकाया गुड्डी आखिया इसना ख्याल रखिया है ये बार बार खाई दसना है ना क्या ना ना ऐसा सी ड्यूटी हो ना ऐसा जी खाई सकना ही नहीं वो जने भी अपने कमे लगे सुना रहे दोस्तों की तार जला रहो इधर क्या जी बिल्कुल फैसला मंजूर है वो जने की तार पट लगा एक आप पट्टा मार रहे दूर थे ना जुड़िया रहा पता लगा भाई का थेरा कम चली खड़ना ये दो हाथ था निकाल को नहीं अगली कर जब भी तो कर नहीं आशक या शिकवे करना रहा भाई महबूब ये वफाई की थी महबूब ने कदा भी कोई इजहारे ख्याल नहीं आया कि आशक छिपा कर गया आशिक ही रोने पिटने तड़पने रहे और कब मैं शीशे मेरे बराबर जनाब एक साहब जी नंदर लेने ना रहे सुल्तान साहब और काफी बराबर है उन्होंने फरमाया चला भेड़ा ग्रुप समझ गया शेर आगा मतलब जोश ना सरकार ने बड़ा चंगा जी शेर पेश किया रही Good night!
भोलिया माया वोटा दी ताग कलेजे विच लाया ओए ओ मेरी आदत मलंगी बनाया ओए कदी ते सोफे
ਤੱਕ ਜਦ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੇਨ ਹੋਇਆ ਅਜਬ ਦਾਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਾਰੋ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕੋਸ ਬੇਟਾ ਦਾ ਬੂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ ਗਲ ਪਾਇਓ ਇਸ ਨੂੰ